बेटा आज हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बता चुके हैं। हम थर्ड क्वेश्चन बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारा, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1.5, 2.3 एंड -2.-11 आर कोलिनियर। यहाँ पे बेटा हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, बताना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं। तो कोलिनियर कब होते हैं बेटा, जैसे हमारे कोई पॉइंट्स दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो क्या कहते हैं, जैसे हमारा पॉइंट्स हो गया यहाँ पे ए, यहाँ पे हमारा बी कोई पॉइंट है, यहाँ पे हमारा सी कोई पॉइंट है। जब ये कोलिनियर कब होंगे, जब इनको हम मिलाएंगे आपस में, तो ए बी प्लस बी सी का जो सम होगा वो ए सी के इक्वल हो जाए, तो हमारा क्या कहते हैं बेटा, ये होता है कोलिनियर पॉइंट। तो जैसे सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू लाइन सेगमेंट इक्वल टू, बेटा हमारा क्या हो गया, लेंथ ऑफ थर्ड लाइन सेगमेंट। तो ये क्या कहते हैं, जब टू ए बी प्लस सी ए का हमारा जो वो होगा पॉइंट्स होंगे वो हमारे ए सी के इक्वल हो जाएंगे, यही पे हमने बेटा यहाँ पे लिखा है। तो अब इसको निकालते कैसे हैं, जैसे हम मानते हैं कि ए जो है हमारा 1.5 दिया गया है, और बी जो दिया गया हमारा वो 2.3 दिया गया, और सी जो है -2.-11 दिया गया है। तो यहाँ पे बेटा हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे ए बी पॉइंट्स निकालेंगे। तो ए बी में हमारा क्या कहते हैं, यक्स क्या हो जाएगा, यक्स वन हमारा हो जाएगा 1, यक्स टू हो जाएगा 2 हो जाएगा, और वाई वन हो जाएगा 5, और वाई टू हो जाएगा 3। आपको हम डिस्टेंस का फार्मूला बताए थे कि हमारा डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, जैसे ए बी का जब डिस्टेंस निकालना होगा तो हमें क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बेटा हमारा x2 क्या है, x2 हमारा 2 दिया गया है और -x1 हमारा 1 दिया गया है का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 हमारा कितना है 3 है, -y1 हमारा 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा √1 का होल स्क्वायर, प्लस जब माइनस करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे जब माइनस करेंगे बेटा हमारा आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इक्वल टू √5 आ गया। और अब इसी तरह हम निकालेंगे बेटा, जब बी सी निकालेंगे तो हमारा बी सी में हमारे ये दोनों पॉइंट्स दिए गए, तो इसमें हमारा x1 क्या हो जाएगा, x1 2 हो जाएगा, और x2 हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और y1 क्या कहते हैं, 3 हो जाएगा, और y2 हमारा क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम डिस्टेंस का फार्मूला निकालेंगे, फिर से लगाएंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा, x2 यहाँ पे हमें कितना मिला है, -2 मिला है, और x1 कितना है, -2 है, -2 का होल स्क्वायर प्लस, तो क्या कहते हैं बेटा, यहाँ y2 कितना है हमारा, -11 है, और y1 हमारा कितना है, -3 है का होल स्क्वायर। तब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा बेटा √-4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर। तो हम क्या कहते हैं, -4 का करेंगे बेटा स्क्वायर, हमारा हो जाएगा 4 4 16 प्लस, और जब 14 का हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 196। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 6 12 9 1 10 11, मतलब कि 212 आ जाएगा अंडर रूट। अब इसी तरह बेटा हम सी ए का निकालेंगे, सी ए, तो सी ए में हमारा क्या देखा जाएगा, ये देखा जाएगा और ये देखा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा x1 क्या है, x1 हमारा -2 है, और x2 हमारा क्या है, 1 है, y1 हमारा क्या है बेटा, -11 है, और y2 हमारा 5 है। तो यहाँ पे जब क्या कहते हैं, अंडर रूट डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, क्योंकि दो बार तो हम फार्मूला लिख चुके हैं। तो यहाँ x2 हमारा कितना है, 1 है, और क्या कहते हैं y2 बेटा हमारा 1 है, और x1 हमारा क्या है, -2 है। तो यहाँ पे हमारे फार्मूले में माइनस मिलता है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा हमारा, प्लस 2 का होल स्क्वायर।
यहाँ पे प्लस, वाई टू हमारा कितना है फाइव है, और वाई वन हमारा इलेवन है माइनस इलेवन, तो माइनस माइनस प्लस इलेवन हो जाएगा का होल स्क्वायर, क्योंकि एक माइनस हमें फार्मूले में मिलता है और एक माइनस यहाँ पे हमारा, यहाँ बेटा हमारा प्लस हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ क्या मिला हमारा सी ए स्कल टू, तो यहाँ मिला हमें थ्री का होल स्क्वायर प्लस, और क्या कहते हैं ये हमारा कितना हो गया सिक्सटीन का होल स्क्वायर। तो हमारा यहाँ हो जाएगा बेटा, जब हम रूट थ्री का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा नाइन, प्लस जब सिक्सटीन का हम करेंगे होल स्क्वायर तो हमारा हो जाएगा 256, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 265 यूनिट। इसको बेटा हम यूनिट में लिखते हैं यूनिट। तो यहाँ पे देखो सारा अंडर रूट में है बेटा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे हम लिख लेते हैं अगर 5 का हम क्या कहते हैं इसके वैल्यू लें, इसका क्या कहते हैं डेसिमल, टू डेसिमल प्लेसेस तक इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या आ जाएगा रूट फाइव का आ जाएगा हमारा 2.23 यूनिट। और क्या कहते हैं जब हम इसी तरह 212 को जब सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारा क्या आ जाएगा टू डेसिमल प्लेसेस तक, तो ये आ जाएगा 14.56, और ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या कहते हैं 16.27। तो अब इसको बेटा हम ऐड करेंगे, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 14 है 16 हो जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या हमारा ए बी प्लस बी सी हमारा इक्वल है सी ए के, यहाँ पे बी सी होगा बेटा बी सी, तो यहाँ पे चलो करेंगे देखते हैं, लिखेंगे ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए। तो हमारे ए बी की जो क्या कहते हैं वैल्यू आई है वो कितना आई है 2.3 आई है 2.23 प्लस, और बी सी हमारा कितना है ये 14.56 इक्वल टू सी ए हमारा कितना है 16.27। तो यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 639.27.4261 इक्वल टू 16.2। यहाँ पे बेटा देखो हमें मिला है 16.79 और इधर हमें कितना मिला है 16.27, मतलब कि ये जो दोनों वैल्यू हैं बहुत ज़्यादा हैं, पॉइंट में बेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब कि ये जो है ये इक्वल नहीं है दोनों। तो इसको लिखेंगे क्या कहते हैं ए बी प्लस बी सी डज नॉट इक्वल टू ए सी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों वैल्यू क्या कहते हैं इक्वल नहीं है बेटा, तो इसलिए हम लिखेंगे, फिर लिखेंगे पॉइंट और नॉट कोलिनियर। यहाँ पे जो पॉइंट्स मिले बेटा ये हमारे कोलिनियर नहीं है, अगर क्या कहते हैं यहाँ पे ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या कहते हैं सी ए हो जाता, तो इसका मतलब ये हमारे कोलिनियर है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स हमारे इक्वल नहीं हो रहे हैं इसलिए हमारे ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हैं।